दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप एज एक्सेल ऑपरेटर किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड शीट क्रिएट की है ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि इस वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट आपका और बढ़ जाए। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दो तो यहाँ पे हमने बच्चों के रोल नंबर्स लिखे हैं, उनका नाम, फादर्स नेम, क्लास और उनकी जो मंथली फीस है वो। इसके बाद यहाँ पे जो उनका टर्म है अप्रैल से लेके मार्च तक का जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें टोटल 12 मंथ्स हम कवर अप करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जिन जिन बच्चों की फीस आ गई वहां पे हमने टिक दिया है और जिन जिन बच्चों की फीस नहीं है वहां पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और उसी के साथ आप नोटिस करो, जिसकी पूरी फीस आ गई है उसके आगे लिखा हुआ है सबमिटेड, और जिसकी थोड़ी बहुत फीस भी बाकी है, चाहे 4 महीने की हो या फिर मान लो कि कम महीनों की हो, तो उसकी फीस के आगे क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग, यानी कि उसकी अभी भी फीस बाकी है। इसके अलावा सबमिटेड मंथ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 8 महीने की फीस आ गई है बच्चे की, 4 महीने की फीस बाकी है। साथ में अगर आप ऊपर देखो तो इस 10th क्लास में हमारे पास कितने बच्चे हैं, हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 बच्चों की फीस हमारे पास आ चुकी है और 10 बच्चों की फीस अभी भी पेंडिंग है। और ये सारी चीजें मैनुअल नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो आप जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनकी फीस है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दिसंबर की भी आ गई है, जनवरी की भी आ गई है, तो आप देखो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे 10 हो गया, फिर 11, और जैसे मैं लास्ट डालूंगा तो ये भी पेंडिंग शो कर रहा है। अब ये क्या हो गया, सबमिटेड आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो कि अभी 30 थे टोटल फीस सबमिटेड, जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो 30 थे, लेकिन अब 31 हो गए और पेंडिंग स्टूडेंट्स अब 9 हो गए। तो ये जितना भी हमारा डेटा है वो सब ऑटोमेटिक वर्क पे काम कर रहा है, ताकि आपसे अगर आपका सीनियर आके पूछे कि कितने बच्चों की फीस अभी बाकी है तो आपको एक एक करके ना गिनना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे फी रिकॉर्ड शीट में आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ इसलिए कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में एज अ मान लो एक्सेल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, सिर्फ उसके लिए नहीं, बट इसी तरीके का डेटा अगर आपको किसी दूसरी जगह इसकी जरूरत पड़ गई, जैसे मान लो आप कहीं पे अकाउंटेंट के तौर पे वर्क कर रहे हो, कहीं पे कंपनी का डेटा मैनेज कर रहे हो, कहीं पे मान लो एमएनसी में वर्क कर रहे हो, तब भी आपको इस डेटा से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले जिन जिन कॉलम्स की हमें नीड है पहले हम उन्हें यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल नंबर। फिर हमने लिखा स्टूडेंट्स का नेम, उसका फादर्स नेम, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी क्लास में वो पढ़ता है, इसके अलावा उसकी फीस क्या है मंथली, और फिर हम जो भी हमारे टोटल मंथ्स है लाइक अप्रैल से लेके मार्च तक उसे हम यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखा हमने अप्रैल सेशन से लेके मार्च, तो पहले अप्रैल के बाद हमने लिखा मई, और दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके सिंपली से ड्रैग कर देना है जब तक आपका मार्च नहीं आ जाता। तो ये आ गया यहाँ तक। इसके बाद ये काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है आप नोटिस करोगे, तो आपको फॉर्मेट में जाके यहाँ कर देना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिससे जितनी स्पेस की इसको जरूरत है उतने में ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल फीस स्टेटस, कि इसकी पूरी फीस आ रखी है या नहीं आ रखी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और सबमिटेड मंथ्स हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिटेड मंथ्स, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे पेंडिंग मंथ्स, कि कितने मंथ की जो फीस है वो इनकी पेंडिंग है, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा ले रहा है तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं रैप टेक्स्ट, ताकि ये नीचे शिफ्ट ऑन हो जाए। इसके बाद इसे आप थोड़ा सा ड्रैग करके प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लो, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, जितने भी स्पेस की इसको जरूरत है वही काम हम करेंगे, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया हमने, जिससे ये आ गया इस तरह से, और फिर पूरे को सेलेक्ट करके आपको इसे कर देना है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे हमने किया, और हम कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद जो भी कलर आपको इसमें रखना है, लाइक हमने यहाँ पे रख लिया कलर नॉर्मल येलो रख लेते हैं, हमने जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो बोल्ड कर दिया। इसके बाद ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, जहां तक भी आप डेटा प्रिपेयर करने वाले हो, जैसे मैं आ गया यहाँ नीचे तक, मैंने यहाँ 43 पे आ जाता हूँ मैं, मतलब 40 स्टूडेंट्स का डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट करके कर दिया ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स का रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया रोल नंबर का, जैसे कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल स्कूल है वो रोल नंबर का एक फॉर्मेट रखते हैं, 1-2 नहीं होता, वहाँ पे होता है ES हो गया या इस तरीके से कोई सीरियल नंबर दे के तब रोल नंबर होता है। तो हमने यहाँ पे भी इसको एक फॉर्मेट दे दिया, जैसे हमने इसका फॉर्मेट दे दिया ES1, इस तरीके से इसका फॉर्मेट दे दिया हमने, फिर हमने डाला ES2। अब आपको क्या करना है, सिंपली से सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है, जितने स्टूडेंट्स का हमें डेटा प्रिपेयर करना है उतने स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ऑटोमेटिकली सबका रोल नंबर हमारे पास आ गया, सबके लिए मैनुअल हमें नहीं लिखना पड़ा।
अब बात करते हैं नेम के लिए, तो कुछ नाम आप मैन्युअली ऐसे ऐड कर लो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ राहुल, राजेश, ठीक है, हमने यहाँ लिखा महेश, हमने यहाँ पर लिखा सुरेश, हर्ष, इस तरह से हमने नाम लिखे। अब आपको फादर्स नेम भी इसी तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर मोहन, मिस्टर निशान, मिस्टर ब्रजेश। अब ऑलरेडी मैंने ये सब नाम लिखे हुए हैं, तो एक एक करके मैं 40 लोग का नाम लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फटाफट मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे हमने यहाँ पे जो नेम सेक्शन है, नाम और फादर्स नेम, वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। अब बात करते हैं क्लास के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 10th का डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने AK में 10th लिखा रोमन न्यूमरल में, और फिर यहाँ पे डबल टैप करना है, ऑटोमेटिकली सब में वो फिल हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं फीस की, तो हमने बोला 900 जो है वो इनकी मंथली फीस है, तो हम यहीं पे आते हैं, इसे ड्रैग कर देते हैं, मतलब डबल टैप कर दो या ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली सबका ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं मेन टर्म पे, जो कि है हमारा फी सेशन। तो यहाँ पे अप्रैल से जो है वो फी लेना स्टार्ट कर रही है स्कूल, और मार्च तक जो है वो उसकी लास्ट फीस है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि जिस जिस मंथ की फीस आ गए वहाँ पर टिक आ जाए। अब आप बोलोगे कीबोर्ड में तो टिक का कोई ऑप्शन होता नहीं, तो हम टिक कहाँ से लेके आएंगे? देखो सिंपल आपको करना क्या है कि पहले तो इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो, जैसे ये वाली रेंज है जहाँ तक हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है टिक वाला पोर्शन, तो हमने इसे रेंज को सेलेक्ट किया, ये रही हमारी रेंज, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है फॉन्ट सेक्शन में, और आपको यहाँ पे W टैप करना है। जैसे W करोगे आप W वाली सीरीज में आ जाओगे। फिर इसमें एक ऑप्शन होता है विंडिंग्स 2, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जब आप कैपिटल P प्रेस करोगे, मतलब मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, और अब अगर मैं P डालूंगा तो यहाँ पे टिक आएगा। तो एक्चुअल में ये P है, बस देखने में आपको जो फॉन्ट है वो क्या दिख रहा है, टिक का दिख रहा है। देखो मैं शो करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या दिख रहा है, टिक, लेकिन आप फॉर्मूला बार में देखो तो क्या दिख रहा है, बड़ा P। तो बेसिकली क्या है, ये कैपिटल P है, लेकिन उस फॉन्ट की वजह से इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो टिक का आ रहा है। आई होप कितना टर्म क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे डेटा जो है वो ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और इसमें से हम कुछ डेटा को ब्लैंक छोड़ देंगे हमें जो भी प्रैक्टिकल करना है उसके लिए। तो जैसे मान लो इसके 3 महीने की फीस जमानी है, हमने इसे डिलीट किया, इसके 2 महीने की फीस जमानी है, इसके 1 महीने की फीस जमानी है, इसके 3 महीने की नहीं है, इसके 4 महीने की फीस जमानी है। तो इस तरीके से हमने रैंडमली अलग अलग डेटा जो है वो यहाँ पे एड ऑन कर दिया, ठीक है। आई होप कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा, नाम, फादर्स नेम, क्लास और फीस, और यहाँ पे विंगडिंग्स 2 फॉन्ट की मदद से हमने यहाँ पे टिक वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया। फिर हम एक एक करके ना ऐड ऑन करें, इसलिए मैंने ड्रैग करके नॉर्मली इसमें से जो जो हमें डेटा हटाना था प्रैक्टिकल करने के लिए वो हमने हटा दिया। अब आ जाते हैं मेन टर्म पे, टोटल फी स्टेटस। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि भाई जिसमें मान लो कि अगर सेल खाली रह गया, मतलब कि सारे के सारे सेल टिक है, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक सारे के सारे जो सेल है वो टिक है, इट मीन्स अप्रैल से लेके मार्च तक की पूरी फीस इस पर्सन की यानी कि राहुल की जमा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महेश की, तो महेश की 3 महीने की फीस पेंडिंग है। अब एक एक करके तो मैं सबका लिखूंगा नहीं, सबमिटेड, पेंडिंग, सबमिटेड, पेंडिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूले का, जिसकी मदद से जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है, ये चाहे वो 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, ऑटोमेटिकली वहां पे लिख के आ जाएगा सबमिटेड और पेंडिंग। अब सिंपली हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमने क्या यहाँ पे इक्वल, और मैं डालूंगा इफ, इफ का फॉर्मूला आप सबको बताया, हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, टैप किया, फॉर्मूला शुरू। अब हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर इस पूरी रेंज में से एक भी सेल खाली है, ध्यान देना, पॉइंट समझना, अगर इस पूरी रेंज में से एक भी सेल खाली है, इट मीन्स उसका स्टेटस क्या आना चाहिए, पेंडिंग, राइट। तो एक भी सेल खाली चेक करने के लिए, मतलब सेल अगर हमें खाली चेक करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं काउंट ब्लैंक का। तो यहाँ पे पहले तो मैं इस रेंज को कट करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ काउंट ब्लैंक। जब ये फॉर्मूला आप लिखते हो काउंट ब्लैंक, तो पूछेगा रेंज, तो हमारी रेंज क्या है, ये हमारी रेंज है। अब इस पूरी रेंज में से आप चेक कर लो, अगर एक भी ब्लैंक सेल है, इट मीन्स वो नोटिस हो गया। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, फिर जैसे आप कोमा करोगे, तो यहाँ पे पूछेगा एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू, मतलब ये कह रहा है कि अगर इसमें ब्लैंक सेल है तो क्या प्रिंट कराना चाहते हो, और अगर ये पूरे के पूरे भरे हुए हैं तो क्या चाहते हो। तो हमने बोला कि अगर काउंट ब्लैंक है, मतलब अगर आपको खाली सेल मिलता है, इट मीन्स स्टेटस शो कर दो पेंडिंग। क्या स्टेटस शो करेंगे, पेंडिंग, और अगर नहीं तो हम क्या स्टेटस शो करेंगे, सबमिटेड। तो हमने अब लिखा सबमिटेड और हम कर देंगे एंटर, और जैसे आप एंटर करोगे, देखो इसकी पूरी फीस सबमिट है, तो यहाँ पे आ रहा है सबमिटेड, और मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, तो जिसकी फीस चाहे 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, उसके आगे क्या लिखा आ रहा है, पेंडिंग। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, सबमिटेड पेंडिंग कुछ ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सेम फॉन्ट सेम क्राइटेरिया में, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ये अलग दिखे,
रेड जोन में या कुछ अलग तरीके से, ताकि अलग ही हाईलाइट हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो और डाउन एरो की प्रेस करो, पूरी रेंज एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पे जाना है। जाने के बाद आपको जाना है न्यू रूल पे, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे क्लिक करो। सेल वैल्यू में जाके स्पेसिफिक टेक्स्ट, क्योंकि आप देखो स्पेसिफिक टेक्स्ट दे रहे हैं हम, चाहे वो पेंडिंग हो या सबमिटेड हो, हमने सेलेक्ट किया। और कंटेनिंग में इक्वल करके आप डाल दो पेंडिंग, डबल क्वोट्स लिखना है पहले आपको, और डिट्टो जैसा पेंडिंग आपने उसमें लिखा है वैसे ही यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा पेंडिंग, डबल क्वोट्स किया क्लोज, और इसके बाद हमने किया फॉर्मेट पे क्लिक कि अगर मान लो कि ये हमारा स्पेसिफिक टेस्ट है तो मैं इसमें कुछ अलग तरीके से इसको क्या फॉर्मेट देना चाहता हूँ। तो आप फिल में जाओ और जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है इस पर, जैसे मुझे रेड कलर सही लग रहा है तो हमने कलर सेलेक्ट किया। इसके बाद हम फॉन्ट में जाएंगे, मैंने फॉन्ट में इसको वाइट सेलेक्ट कर लिया और मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें फॉर्मेट नजर आ रहा है कि इस तरीके का ये दिखेगा, मैंने कर दिया ओके। अब जितने भी पेंडिंग होंगे, आप देखो जहां जहां पेंडिंग लिखा है वो अलग ही दिख रहा है, तो ये आप फायदा उठा सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे हमें देखना है सबमिटेड मंथ, जितने महीने की फीस आ गई वो सबमिटेड, जितने महीने की फीस नहीं आई है वो पेंडिंग मंथ। तो हम करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने किया इक्वल, और एक सिंपल फॉर्मूला टाइप करना है, कोई ज्यादा बिग स्टफ नहीं है। काउंटर, काउंटर क्या करता है, अगर सारे सेल भरे हुए हैं मतलब किसी भी सेल में कोई भी लेटर आपने लिखा है तो उसको काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे आ गया 12, और जितने महीने की फीस आ रखी है, जैसे इसके 9 मंथ्स की है, इसके 10 मंथ्स की है, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे डाल देंगे इक्वल, और हम डालेंगे यहाँ पे दोबारा से वही फॉर्मूला काउंट ब्लैंक जो हमने यूज किया था इफ के साथ। तो हमने किया काउंट ब्लैंक कि अगर कोई सेल खाली है तो उसको आप बता दो। तो हमने रेंज सेलेक्ट किया, कर देंगे एंटर, तो इसकी सारी फीस सबमिट है। तो यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग मंथ 0, और यहाँ पे बाकी का मैंने ड्रैग गलती किया, मैं ऐसे डबल टैप ही कर देता आराम से आ जाता। तो यहाँ पे जिन जिन महीने की फीस रह गई, जैसे 9 महीने की फीस आ गई है, 3 महीने की बाकी, वो आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे नॉर्मल तो हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो हमें बनाना क्या बाकी रह गया, ये ऊपर वाला सेक्शन जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस आ चुकी है और कितने पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो चीज़ हमारा निकालना भी बाकी रह गया। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले तो यहीं पर आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मर्ज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे करना है इक्वल, और सिंपली हमें यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है काउंटर। काउंटर फॉर्मूला टाइप करने के बाद आपको ये जो रेंज है जिसमें पूरे स्टूडेंट्स के आपने नाम लिखे हुए हैं, इस पूरी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट से सेलेक्ट करो आप सेल को, और डाउन एरो की प्रेस करो, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। प्रेस करना है एंटर, और ये बता देगा कि टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 14। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स की फीस हमारी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स टोटल नंबर, या फिर मैं ऐसा करते हैं हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फीस सबमिटेड, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, आप कुछ और नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, हमने किया। फिर हम इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसे कर देते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे इक्वल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ, काउंट इफ मतलब गिनो अगर, हमने किया टैब। यहाँ पे आएंगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखो और डाउन एरो की प्रेस करो, पूरी रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, कोमा। अभी पूछ रहा है इस पूरी रेंज में दो चीज़ है, एक सबमिटेड है एक पेंडिंग है, आप किसको टारगेट कर रहे हो। तो हम क्या लिखा है, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी फीस सबमिट हो चुकी है, तो हम यहाँ डबल क्वोट्स में लिख देंगे सबमिटेड। ध्यान रहे जैसा सबमिटेड यहाँ लिखा है वैसा ही लिखना है, अगर गलत लिखोगे तो आंसर आपका गलत यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिनकी फीस आ चुकी है, 31। अब इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पेंडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, दोबारा वही फॉर्मेट टाइप करेंगे इक्वल काउंट इफ, और फिर पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट टाइम हमने क्या दिया था यहाँ पे, लास्ट टाइम हमने दिया था सबमिटेड, अब हम देंगे यहाँ पे पेंडिंग। तो पेंडिंग लिख के डबल क्वोट्स के अंदर इसे क्लोज कर दो और एंटर करो, और यहाँ पे आ गया 40 स्टूडेंट्स है जिसमें से 31 की फीस आ चुकी है, 9 के पेंडिंग है। अब इसे थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, हम करेंगे मर्ज, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट, ये हमने यहाँ पे लिया। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, लाइक मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद इसे हम बड़ा कर लेंगे, जो भी फॉन्ट साइज आपको बेटर लगता है, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया इसको, और इसे हमने कर लिया यहाँ पे सेंटर में, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे जो भी इसका कलर आप रखना चाहते हो बैकग्राउंड का, हमने किया ये वाला कलर सेलेक्ट, व्हाइट कलर में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे कर दिया इसका सिंपली ब्लैक कलर, टेक्स्ट कलर कर दिया व्हाइट, इसको सेलेक्ट किया, इसमें गए और हमने ये वाला जो कलर है वो चूज कर लिया। फिर इसे बोल्ड करेंगे, इसे कर देंगे सेंटर। सेम इसी तरीके से इसमें भी फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएंगे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर कर दिया व्हाइट। फिर यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो हमने कर लिया ये वाला सेलेक्ट और हम कर देंगे फॉन्ट को बोल्ड। फिर यहाँ पेंडिंग वाले में आएंगे, इसमें दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, तो इसमें मैंने चूज किया ये वाला कलर, व्हाइट कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया और इस वाले का जो कलर है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली ये वाला और फॉर्मेट हम कर देते हैं बोल्ड। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट है, जो डेटा है हमारा, उसका फॉर्मेट रेडी हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद अगर आपको किसी भी और सेक्शन में एडिटिंग करनी है, जैसे यही वाला एरिया हो गया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपने इसे बोल्ड किया, आपको सेंटर में लेना है, सेंटर में ले लिया हमने। कोई भी इसका जो कलर है वो हमें दूसरा रखना है, लाइक यहाँ पे जाके आप ये वाला कलर रख सकते हो। मान लो ये वाला जो एरिया है इसका हमें कलर अलग रखना है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आएंगे सिंपली, और जो भी कलर आपको बेटर लगता है वो कलर आप इसके लिए रख सकते हो। इसके बाद मान लो ये फीस वाला सेक्शन है, इसको हमें यहाँ पे कवर अप करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, डाउन एरो की किया, जो भी इसका कलर आप रखना चाहते हो, लाइक रेड रख दिया हमने, इसको बोल्ड कर दिया और वाइट कर दिया। तो जैसे भी आप इसमें एडिटिंग अप्लाई करना चाहते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से बड़ी आसानी से आपका जो स्टूडेंट फी रिकॉर्ड है वो डेटा आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं इसमें काफी चीजें हमने सीखी। नॉर्मली ये स्टेटस पेंडिंग ये वाला कैसे करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हमने देखा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ फॉर्मूला, इन सब का मिक्सअप हमने देखा। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।